अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फर्स्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री फॉर अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट एंड दिस इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। एंड केमिकल रिएक्शंस का पहला टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होती है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो उस एग्जांपल के बेसिस पे आप कैसे बताएंगे कि ये जो एग्जांपल मुझे दी गई है ये एक फ़िज़िकल चेंज है और या फिर ये एग्जांपल जो मुझे दी गई है ये एक केमिकल चेंज है। कैसे आप इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा फिज़िकल चेंजेस। हम देखेंगे कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या होती है। यहाँ देखिएगा, स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। फिज़िकल चेंजेस, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं वो होगा कि फ़िज़िकल चेंज जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होती है फिज़िकल चेंजेस। अब ये रिवर्सिबल क्या चीज़ होता है, कैसे इस चीज़ को समझा जाए, यहाँ देखिएगा। अगर आपके पास है ऐसे करके, आपके पास वाटर है, लिक्विड वाटर है, ठीक है। इस लिक्विड वाटर को हीट करेंगे, इस लिक्विड वाटर को हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये जो लिक्विड वाटर है इसको क्या हो जाएगा, सबको पता है, हम तो ये डे टू डे लाइफ में करते हैं, हम लिक्विड वाटर को गैस पे चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद ये बॉयल हो जाता है, ठीक है, और ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। गरज कि हमने लिक्विड वाटर को किस में कन्वर्ट किया, हमने लिक्विड वाटर को स्टीम में, या फिर हम इसको बोलेंगे गैस में कन्वर्ट किया, वेपर में कन्वर्ट किया, हमने लिक्विड वाटर को गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको हीट दे दी। अब अगर ये जो आपने लिया था, ये जो बर्तन आपने लिया था, अगर आप इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे हम, ठीक है, आपने ये देखा होगा कि जब इसके ऊपर ढक्कन होता है तो उस ढक्कन पे ऐसे छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स आ गए होते हैं, छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स आ गए होते हैं। मतलब वो ड्रॉपलेट्स कैसे आते हैं, कैसे वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गए होते हैं, असल में जो गैस होता है, जो आपका ये स्टीम होता है, ये वापस से चेंज हुआ होता है लिक्विड वाटर में। ये वापस से जो स्टीम था जो आपने कन्वर्ट किया था, आपने इसको हीट दिया था और हीट देने के बाद ये तो गैस में कन्वर्ट हो गया था, मगर जो ही आपने इसके ऊपर ढक्कन रखा था तो ये ढक्कन जो होता है कूलिंग इफ़ेक्ट इसको देता है, इसको कूल करता है, इस स्टीम को कूल करता है। और हम सबको पता है कि जब भी गैसेस जो है, जब भी गैसेस कूल होते हैं तो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सबको पता होगा, सबको ये बात पता होगी। फिर से एक बार हम बताते हैं आपको, जब भी गैस को आप कूल करते हैं, ये जो गैस होता है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, कोई गैसेस ऐसे होते हैं जिनको कूल करने के साथ साथ हाई प्रेशर भी चाहिए होता है, वो तो आगे का टॉपिक है, उसमें हमें नहीं जाना है। हम यहाँ पे आपको ये समझा रहे हैं कि गैस को वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर इफ़ेक्ट जो देता है वो टेम्परेचर का ही होता है, प्रेशर का तो उतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, प्रेशर का भी होता है, मगर टेम्परेचर से ही हम गैस को जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लो टेम्परेचर से। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो गैस जो होते हैं वो वापस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की, आपने पढ़ा होगा कि इवेपोरेशन हो जाती है और जो लिक्विड होता है ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये ऊपर चढ़ता है, ऊपर चूँकि कूल होता है, इन्वायरमेंट कूल होता है, एटमोसफेयर कूल होता है, तो जब ऊपर ये चढ़ता है तो ऊपर हो जाती है प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, तो ये फिर वापस आ जाता है, मगर किस शक्ल में, ये फिर रेनफॉल हो जाती है, वापस रेन की शक्ल में वापस आ जाता है, ठीक है। तो दिस मीन्स ये जो प्रोसेस हो गई यहाँ पे, इसको तो हमने कन्वर्ट किया था किस में, गैशियस स्टेट में, मगर फिर ये गैशियस स्टेट ये तो वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो ये जो स्टीम, अगर आप लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करते हो, उस स्टीम को वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गरज की ये जो हमने की थी, ये जो चेंज हमने की थी, ये तो रिवर्सिबल चेंज है।
ठीक है। दिस मीन्स शॉर्टकट में हम ऐसा बताएंगे, अगर आप ए को बी में कन्वर्ट करेंगे, फिर अगर आप बी को ए में वापस से कन्वर्ट कर पाए, तो ये इस चीज़ को आप बोलते हो रिवर्सिबल। क्या बोलते हो? रिवर्सिबल बोलते हो। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने दिखाया है आपको आइस जो है, आइस को हम लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर हमने ऐसे दो एरोज़ रखे हैं। ये दो एरोज़ क्या दिखाते हैं? अगर आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, वाटर को वापस से आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टीम को वापस से लिक्विड वाटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस चीज़ को आप बोलते हो रिवर्सिबल। तो ये जो फिज़िकल चेंजेस होती है, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, यूजुअली ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक है। वेर जो केमिकल चेंजेस होती है, वो ज़्यादातर रिवर्सिबल नहीं होती है, वो इरिवर्सिबली होती है। एक बार ए बी में कन्वर्ट हो गया, तो बी को वापस से ए में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल होता है, यूजुअली इरिवर्सिबल होती है। हाँ, हायर लेवल्स का अलग चीज़ है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने लेवल का, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या चीज़ आगे क्या पॉइंट हमें डिस्कस करना है, वो है केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी चेंज नहीं होता है। अगर हम फिज़िकल चेंजेस की बात करें, तो फिज़िकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अभी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कैसे हम समझेंगे केमिकल कंपोजिशन को? फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग लॉग, लकड़ी है आपके पास, ठीक है। कोई आपसे पूछ रहा है इस लकड़ी की केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो आपको जहन में आना चाहिए ये मुझसे ये पूछ रहा है कि जो लॉग होती है, लकड़ी जो होती है, ये किस एलिमेंट का, किस कंपाउंड का, किस मॉलिक्यूल का बना है। तो ये यही पूछ रहा है किस एलिमेंट का बना है। तो जब आप वो चीज़ें दिखाते हो, तो दिस मीन्स आप दिखा रहे हो केमिकल कंपोजिशन उस चीज़ की। तो जल्दी से मुझे जहन में आ रहा है लॉग तो कार्बन का बना होता है, तो मैंने बोला इसको लॉग की केमिकल कंपोजिशन जो है वो है कार्बन। ऐसे कोई मुझे बोलेगा व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो, नमक, नमक की केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए पूछ रहा है मुझसे कि नमक जो है किस किस एलिमेंट का बना है, ठीक है। तो आप जल्दी से बताने चाहिए इट इज़ NaCl, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही कोई पूछेगा शुगर की क्या है, तो आप बोलेंगे C12H22O11। ऐसे कर केमिकल कंपोजिशन होता है कोई चीज़ किस एलिमेंट का बना होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, बोल रहा है जो फिज़िकल चेंजेस होती हैं इनमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो जाता है। मतलब अगर आपके पास था NaCl, अगर आपके पास था NaCl, आपने NaCl को चेंज लाई, आपने इसको कन्वर्ट किया, मगर कन्वर्ट करने के बाद भी कोई चेंज आपने लाई इसमें, मगर चेंज लाने के बाद भी ये रहा NaCl ही, ये तो था NaCl और चेंज होने के बाद भी ये NaCl ही है, तो ये जो चेंज आपने इसमें लाई है ये कौन सी चेंज है, ये फिज़िकल चेंज है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको आपके पास था H2O, अगर चेंज लाई आपने इसमें, ठीक है, और उसकी चेंज लाने के बाद भी ये रहा H2O ही, तो ये कौन सी चेंज है, ये एक फिज़िकल चेंज है। ऐसे ही सपोज़ आपके पास था मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने इसमें चेंज लाई और चेंज लाने के बाद भी ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये कौन सी चेंज है, ये सारी चेंजेस कहलाती है फिज़िकल चेंजेस, तब जाके जब इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ये एक बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पे आपको याद रखना है, ये आपको प्रायोरिटी बेसिस पे याद रखना है कि फिज़िकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जब भी आप कोई एग्जांपल देखो और आपको उसमें ये समझ आए कि इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लो कि जो चेंज है ये कौन सी चेंज है, ये एक फिज़िकल चेंज है, ठीक है। ऐसे एक और पॉइंट है यहाँ पे, फिज़िकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस नहीं बनता है, फिज़िकल चेंजेस में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अगर आपका सब्सटेंस H2O था, तो वो H2O ही रहा। अगर आपका सब्सटेंस NaCl था, तो वो NaCl ही रहा। अगर आपका सब्सटेंस C6H12O11 था, तो वो वही रहा,
ठीक है, अगर ऐसे चेंजेस आ गई है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है, मतलब NaCl किसी नए चीज़ में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये जो नए चीज़ में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। किस में? फिज़िकल चेंज में। फिज़िकल चेंज में कोई नया बनता है, ठीक है। ऐसे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि फिज़िकल चेंजेस में आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। फिज़िकल चेंजेस में चेंज इन स्टेट जो है, चेंज इन स्टेट यूजुअली होता है। स्टेट्स आपने पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा। स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैस स्टेट होता है, और भी स्टेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, उसमें हमें नहीं जाना है, वो बहुत ही रेयर स्टेट्स है, ठीक है। अर्थ्स क्रस्ट पे रेयर स्टेट्स है, आउटसाइड अर्थ्स क्रस्ट वो बहुत ही ज़्यादा एविडेंस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे, ज़्यादातर तीन स्टेट्स होते हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट। चेंज इन स्टेट हो जाता है, अगर आपके पास कोई चीज़ है वो सॉलिड स्टेट में था, तो अगर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है तो फिज़िकल चेंज है। अगर आपके पास लिक्विड चीज़ था वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वो फिज़िकल चेंज है। मगर ये आपको प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसे याद नहीं रखना है कि जिसमें चेंज इन स्टेट होता है वो फिज़िकल चेंज ही है, वो केमिकल चेंज भी हो सकती है। मगर हम आपको यहाँ पे बोल रहे हैं यूजुअली जो होता है, यूजुअली फिज़िकल चेंजेस में, यूजुअली आप इस पॉइंट को समझिए, यूजुअली फिज़िकल चेंजेस में चेंज इन स्टेट हो जाता है। यूजुअली फिज़िकल चेंजेस में चेंज इन स्टेट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्सिबल भी पॉसिबल है, गैस वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड वापस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर इसकी चेंज इन स्टेट हो जाते हैं। यूजुअली फिज़िकल चेंजेस में चेंज इन स्टेट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाती है। अब हमें अलग से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। व्हाट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़ जल्दी से आप सुन लेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है आपके पास है, सपोज़ आपके पास है NaCl, ठीक है, इस NaCl की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको जाननी है। आप इसको देखेंगे कि अगर आप इसको HCl में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप बोलते हो केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है अगर किसी चीज़ को किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइन किया जाए तो वहाँ पे क्या मिलेगा, उसको आप बोलते हो केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती है अगर आपने ए को बी में कन्वर्ट किया, ठीक है, आपने ए को बी में कन्वर्ट किया, अगर ये ए पानी के साथ मिलके देता था हाइड्रोक्साइड, अगर ये ए पानी के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड देता था तो ये बी भी पानी के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड ही देगा। अब आप इसमें मत जाइए हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आप इसको दिमाग से निकाल, आप फिलहाल ये समझिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपसे, मैं क्या समझाना चाहती हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो जाती है अगर ए पानी के साथ मिलके सब्सटेंस को ही दे रहा था, बी भी पानी के साथ मिलके वही सब्सटेंस देगा, तो इसको हम बोलेंगे नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं हुई है, गरज की चेंज तो आ गई है मगर चेंज आने के बाद भी उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती है, तो वो वाली चेंज होती है फिज़िकल चेंज, ठीक है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस की एग्जांपल्स क्या क्या है जो हमें आ सकती है। सो देखिए यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, अभी मैंने थोड़ा सा समझाया आपको। अगर आप आइस को हीट देंगे वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड वाटर को फिर से हीट देंगे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बता रहा है ये फिज़िकल चेंज है,
ठीक है, एग्जाम्पल बोल रही है कि ये कौन सी चेंज है, ये फिज़िकल चेंज है, वापस से कन्वर्जन भी पॉसिबल है, वो भी फिज़िकल चेंज ही है। गर्ज़ की अगर आप यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज करेंगे या बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज लाएंगे, दोनों चेंजेस फिज़िकल चेंजेस ही है। कैसे 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 प्रायोरिटी बेसिस पे समझाएंगे, जो मैंने आपको प्रायोरिटी बेसिस का पॉइंट बताया था वो क्या था, वो ये था कि केमिकल कंपोजिशन की तरफ देख लेते हैं हम। देखिए ये आइस की केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O, ठीक है। फिर लिक्विड वाटर, हमने तो चेंज लाया, हमने तो इसको हीट दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड वाटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O, ठीक है। और फिर हमने फिर से इसको चेंज लाया, फिर से हमने इसको हीट दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और स्टीम की केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O, मतलब H2O, मतलब क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है, नहीं हो गया है। और गर्ज़ की जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम है, या फिर वापस से चेंज ला रहे हैं, ये सारी चेंजेस होती है, ये सारी चेंजेस फिज़िकल चेंजेस है। क्यों है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, मगर चेंज इन स्टेट हो रहा है। यहाँ देखिए चेंज इन स्टेट हो रहा है, ये सॉलिड था, ये लिक्विड है, और ये क्या है, गैस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबलिमेशन, ठीक है, सबलिमेशन भी बोला जा रहा है, ये भी एक फिज़िकल चेंज ही है। और सबलिमेशन क्या होता है, सबलिमेशन होता है अगर आप सॉलिड स्टेट को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको आप बोलते हो सबलिमेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया है, ड्राई आइस है आपके पास, ड्राई आइस जो है, व्हाट इज़ ड्राई आइस, ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। अब तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसियस स्टेट में होता है, तो ये कहाँ से सॉलिड हो गया। अगर हर एक गैस जो होता है उसको टेंडेंसी होती है वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की, ठीक है, और लिक्विड को टेंडेंसी होती है वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होने की। ये जो गैसेस होते हैं इनको आप वापस से लिक्विड स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए, हमें चाहिए लो टेम्परेचर, हमें चाहिए हाई प्रेशर, तो आप ऐसी चेंज ला सकते हो। आप शॉर्ट में ये चीज़ सुनिएगा, आप गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप गैसेस को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया है। क्या किया हमने इसके साथ, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बनाया है, मतलब हमने इसको सॉलिड स्टेट में चेंज किया है, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, ठीक है, सबलिमेशन हम आपको समझा रहे हैं। सबलिमेशन में क्या होता है, सबलिमेशन में आप सॉलिड स्टेट जो होता है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए ड्राई आइस को, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये अगर आप इसको निकालेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकाल जूँ ही ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, ये जल्दी से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जूँ ही इसको वो प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, इसकी टेंडेंसी नहीं है सॉलिड स्टेट में रहने की, हमने तो इसको फोर्सिबली कन्वर्ट किया है सॉलिड स्टेट में, मगर जूँ ही आप इसको रूम टेम्परेचर में लाएंगे, ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर इसकी सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंज हो गया गैशियस स्टेट में, तो ये कौन सी प्रोसेस है, सबलिमेशन। तो सबलिमेशन भी एक फिज़िकल चेंज ही होती है, क्योंकि ये CO2 था और रहा भी ये CO2 ही, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। आपने एक और, एम आपको सबलिमेशन की एक और एग्जांपल देती हूँ, नेफ्थलीन आप मेंशन कर लेगा, नेफ्थलीन जो होता है, नेफ्थलीन सबने देखा होता है, अत्र बोलते हैं नेफ्थलीन को, अत्र बोलते हैं कश्मीरी में। ये अत्र जो होता है ये हम रखते हैं, हम इसको कबर्ड्स में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, सो दैट ये अच्छी खुशबू आ जाए कपड़ों वबड़ों में। तो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है, ये जो अत्र होती है, ये धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ जाती है ये, मतलब कहाँ गायब हो गई होती है ये अत्र, ये नेफ्थलीन कहाँ गायब हुआ होता है, ये लिक्विड में चेंज नहीं होता है। नेफ्थलीन की भी एक टेंडेंसी होती है, ये
सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। गैस की नेफ्थलीन बॉल्स की भी क्या हो जाती है, इनकी भी सबलिमेशन हो जाती है, तभी जाके नेफ्थलीन बॉल्स धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाते हैं जब हम इनको किसी चीज़ में रखते हैं। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं सबलिमेशन, एक फिजिकल चेंज होती है सबलिमेशन। आगे देखते हैं डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर। अगर आप शुगर, देखिए शुगर हमने यहाँ पे लिया है, शुगर की फॉर्मूला होती है C12H22O11, नहीं याद रखना है, नहीं आएगा एग्जाम में कि शुगर की फॉर्मूला क्या है। ऐसी वाटर की फॉर्मूला है H2O, तो अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे, अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद जो ये मीठा पानी होगा, ये मीठे पानी का फिर भी रहेगा, इसकी फॉर्मूला फिर भी होगी, ये शुगर किसी और चीज़ में नहीं कन्वर्ट हो गया होगा, ये फिर भी रहा है C12H22O11 और वाटर फिर भी रहा है H2O। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, डिसॉल्विंग शुगर या फिर सॉल्ट को डिसॉल्व करें पानी में, दोनों चेंजेस जो होती है, दोनों के दोनों चेंजेस फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक और एग्जांपल है जो हमें समझनी है। क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ होता है, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन, मगर हम इसको जल्दी से समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन होता है, सिंपल टर्म्स में आप याद रखें, क्रिस्टलाइजेशन होता है अगर आप देखिए, यहाँ मैंने एक यहाँ पे इमेज बनाई हुई है, यहाँ पे इस इमेज में और इस इमेज में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को, एक सेकंड, दोनों में आप लोगों को क्या डिफरेंस लग रहा है, दोनों में आप लोगों को क्या डिफरेंस लग रहा है, हाँ दोनों में ये डिफरेंस है कि ये वाला जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है इसमें, इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनमें बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, और ये जो जिस चीज़ में हमने इसको कन्वर्ट किया है वो तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म वाला चीज़ होता है इसको आप क्रिस्टल बोलते हो। फिर से बताते हैं, ये जो ऑर्गेनाइज्ड वाला चीज़ होता है, जब मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, ऐसे ऐसे करके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं मॉलिक्यूल्स, उस चीज़ को आप क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल, जैसे कि हम बोलेंगे क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टल ऑफ शुगर, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आप क्रिस्टल बोलते हैं। और अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ को, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, उस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन भी कौन सी प्रोसेस होती है, ये भी एक फिजिकल चेंज ही होती है, ये केमिकल चेंज नहीं होती है। देखिए यहाँ पे अगर क्रिस्टलाइजेशन में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे हम आपको ऐसे लेमेंस लैंग्वेज में समझाएंगे। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, मतलब ये किस चीज़ का बना है, केमिकल कंपोजिशन देखिए इसकी, इस इमेज की देखिए, देखिए ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स और छोटे छोटे डॉट्स का बना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स और छोटे छोटे डॉट्स का बना है, मतलब केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई है, मगर एक चीज़ हो गया है, अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज होती है, केमिकल चेंज नहीं होती है। और हमारे पास और भी एग्जांपल्स है, हमारे पास है कटिंग ऑफ लॉग, कटिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ को अगर आप कट करेंगे, कटिंग ऑफ लॉग, लकड़ी काटेंगे, लकड़ी काटने के बाद भी लकड़ी ही रहती है, कोई और चीज़ नहीं बनता है वहाँ पे। उस वाली लकड़ी को भी जला के ऐश ही बनता है, ये वाली छोटी वाली लकड़ी को भी जला के ऐश ही बनता है, अगर उसकी नया चीज़ नहीं बनता है काटने से। अगर आप पेपर को कट करेंगे, कोई नया चीज़ नहीं बनेगा। ये जो कटिंग होता है ये भी फिजिकल चेंज ही होता है, कटिंग ऑफ लॉग, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग एनीथिंग इज़ अ फिजिकल चेंज, ओके। ऐसे ही आपके पास कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, पहले ही हमने बताया कंडेंसेशन जो होता है, इवेपोरेशन होता है, ये भी फिजिकल चेंजेस ही होती है। बीटिंग ऑफ मेटल्स भी फिजिकल चेंजेस ही होती है, बीटिंग होता है। आपने देखा है कभी किसी को आयरन को ऐसे बीट करते हुए देखा है, बीट होता है, मारते हुए देखा है आयरन को
थिन थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हुए देखा है आपने, जैसे ये आपके पास टीन नहीं आता है, टीन जो आप लगाते हो मकानों को के ऊपर, थिन जो शीट्स होते हैं, आयरन की शीट्स जो हम लगाते हैं मकानों के ऊपर छतों के लिए, तो वो बने होते हैं बीटिंग ऑफ आयरन से। ऐसे ये इसको आप बीटिंग बोलते हैं, बीटिंग ऑफ मेटल्स जो होता है, मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर किया जा सकता है, ठीक है, उसको आप बीटिंग बोलते हैं। तो वो बीटिंग भी फिजिकल चेंज ही होती है, उसमें एक नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अगर आपके पास आयरन था वो आयरन ही रहेगा, शीट में कन्वर्ट होने के बाद भी वो आयरन ही रहेगा। अगर आपके पास गोल्ड था तो शीट में कन्वर्ट होने के बाद भी वो गोल्ड ही रहेगा, कोई नया चीज़ नहीं बनेगा, गोल्ड सिल्वर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसकी बीटिंग ऑफ मेटल्स जो होता है ये भी फिजिकल चेंज ही होती है। ऐसे ही आपके पास होती है बॉइलिंग भी फिजिकल चेंज ही होती है, बॉइलिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग तो सबको पता होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, मिक्सिंग भी फिजिकल चेंज ही होती है, फ्रीजिंग, टियरिंग काटना, ठीक है, ये सारी जो है फिजिकल चेंजेस ही होती है। तो आज हमने डिस्कस किया कुछ एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो होती है फिजिकल चेंजेस की। आप सिंपल में याद रखिएगा, फिजिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो जाती है। तो आगे जाके हम उठाएंगे केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, क्या एग्जाम्पल्स है केमिकल चेंजेस की। तो ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।